चलिए अस्सलाम वालेकुम। यार इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं एक चीज बताना भूल गया था पिछले लेक्चर में, वो थी ट्रांसफॉर्म्स की। उस पर ही हम डिस्कशन कर लेते हैं। यानी लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह मैंने अपने पास कस्टमाइज, अगर मेरे पास कोई डेट सेट हो तो मैंने उसको लोड करना है। और उसके लिए मैंने देखा था कि डेट सेट डिफाइन करने के लिए जो बेसिक होता है वो ये तरीकेकार ये कि मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूं और इंडेक्सिंग ऑपरेटर और जो लेंथ ऑफ डेट सेट को क्यूरी करने का मेथड है उनको वो लोड करूँ। और उसके बाद हमने देखा था कि मतलब ये तो डेट सेट डिफाइन करने का तरीकेकार है, डेटा लोडर जो हमने डेट सेट डिफाइन किया है उसमें से डेटा लोडर डिफाइन करने का तरीकेकार सिंपल सा है। और फिर एक दफा मैंने डेटा लोडर डिफाइन कर दिया जो कि उस डेटा सेट में से बैच वाइज डेटा लेता रहेगा, तो फिर मैं उसको अपने पास जो ट्रेनिंग का लूप है उसके अंदर यूज कर सकता हूँ। सो इसमें अब एक और जो चीज़ है वो ये कि मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मैं लेट्स से जो मेरे पास एक सैंपल आ रहा है उस पर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई कर सकूँ। या यूं कहें कि वो जो हमने वाइन डेटा सेट देखा था जिसमें हमने कहा था कि मेरे पास एक CSV फाइल है लेट्स से, यानी हमारे पास जो कस्टमाइज डेटा सेट था वो मेरे पास एक CSV फॉर्मेट में सेव है और उसमें मेरे पास 178 लेट्स से रिकॉर्ड्स हैं और उन हर रिकॉर्ड के लेट्स से 13 और 14 एट्रीब्यूट्स हैं। सो अब यानी ये तो हमने देख लिया था कि फोर फोर के बैचेस अगर मैंने रीड करने तो मैं कैसे करूंगा, ये तो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। मगर अगर अब मैं चाहूँ कि भाई लेट्स से ये जो पहला रिकॉर्ड रीड हुआ है या हर रिकॉर्ड जो रीड हो रहा है उस रिकॉर्ड उस और रिकॉर्ड से मुराद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो वैल्यूज हैं, इन 14 नंबर्स की एरे पे अगर मैं कोई ऑपरेशन करना चाहूँ तो मैं, या यूं कहें कि इसको मैं किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ तो वो मैं ट्रांसफॉर्म भी डिफाइन कर सकता हूँ। सो उसका तरीके कार ये कि बाई डिफॉल्ट पे कहूँ कि भाई किसी किस्म का कोई ट्रांसफॉर्म नहीं है, मगर ये कि अगर कोई मतलब ये मैं डेट से डिफाइन करने का तरीके कार बता रहा हूँ यूजिंग दैट ट्रांसफॉर्म। और उसके बाद मैं कहूँ यार अच्छा चलो ठीक है, जो इंडेक्सिंग है ऑपरेटर यानी जो जो के किसी भी एक आइटम को इंडेक्स करेगा वो इंडेक्स करने के बाद वैसे ही रिटर्न ना करे बल्कि ट्रांसफॉर्म कर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया जाए उस पर और फिर उसके बाद उस सैंपल को रिटर्न किया जाए। अच्छा ट्रांसफॉर्म कैसे होगी ये मुझ पर डिपेंड करता है, ये मैं ट्रांसफॉर्म जब डिफाइन करूंगा तब हम उसको देखेंगे। अच्छा अब एक सिंपल सा ट्रांसफॉर्म ये हो सकता है कि इधर हमने देखा था कि यहाँ पर जो यानी ये काम अगर सो हम वाइन डेट सेट डिफाइन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि भाई एक तो मतलब लोड करने का तरीके कार, दूसरा ये कि डेट सेट की टोटल लेंथ को डिफाइन करने का तरीके कार, और तीसरा मैंने ये कहा था कि भाई हम ये जो नंपाई यानी CSV जो रीड हुई हो रही है वो तो चूंकि नंपाई का फंक्शन है ये लोड टेक्स्ट तो ये रिटर्न कर रहे हैं मुझे नंपाई एरेस, मगर मैंने जो क्योंकि पाइटॉर्च के जरिए मैंने सारी की सारी ऑप्टिमाइजेशन करनी है ट्रेनिंग करनी है तो उसमें मुझे नंपाई से टेंसर्स आएंगे, तो मैं क्यों ना सारे के सारे जो डाटा अपना उसको नंपाई से टेंसर्स में ट्रांसफॉर्म करूँ। मगर ये तो सारे का सारा डाटा ही एक वक्त में हो गया ठीक है, मगर अब मैं ये काम चाहूँ तो मैं ट्रांसफॉर्म के जरिए भी कर सकता हूँ। सो ये काम ट्रांसफॉर्म के जरिए करने का तरीकेकार ये कि मैं क्लास डिफाइन करूँ ट्रांसफॉर्म की और उसमें उस ट्रांसफॉर्म को किस तरह कॉल करना है वो मेथड डिफाइन करूँ और मैं कहूँ कि यार ठीक है जो भी सैंपल आ रहा था मेरे पास जो कि बेसिक बेसिकली एक टपल है एट्रीब्यूट्स का और जो लेबल्स हैं उनका, मैं उनको टॉर्च में रिटर्न करा दूँ, मतलब टॉर्च में ट्रांस मतलब टॉर्च के फॉर्मेट में टेंसर के फॉर्मेट में रिटर्न करा दूँ ठीक है। सो ये तो सिंपल सा एक ट्रांसफॉर्म का मेथड है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा अब यानी वो डिफाइन करते वक्त लेट से मैंने यानी ट्रांसफॉर्म डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं कहूँगा यार कि ठीक है डेट सेट जब बना रहे हो ना तो
मतलब यही जो वाइन डेट सेट है इसमें करो ये कि तुमने जो इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसमें ट्रांसफॉर्म अपनी मर्जी का डिफाइन करते वक्त मैं ये कहूँगा कि यार ठीक है, ट्रांसफॉर्म जो नहीं है ये बेसिकली टू टेंसर की जो क्लास है उसका उसमें जो वाहिद उसका जो कॉलेबल मेथड है वो है, ठीक है। यानी ये यहाँ पे जो टू टेंसर डिफाइन हुआ है बेसिकली यू नो इधर डिफाइन हुआ है, जो कि सिंपल सी है। आई मीन मैंने क्लास और उसका कॉल का मेथड रखा हुआ है, और इसको मैं मतलब एज सिंपल डेट सेट के आर्गुमेंट के यानी कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट के तौर पे, यानी वो जिसको हम कहते थे फंक्शन पॉइंटर्स, उस तरह की गेम है ये कि हम यू नो उसको बता देते हैं कि ट्रांसफॉर्म ये वाला फंक्शन ठीक है। सो ये मतलब इतना मतलब ये सिंपल सा तरीकेकार है कि मैं अगर चाहूँ तो हर रिकॉर्ड को इंडेक्स करते वक्त सिंपली रिटर्न ना करूं बल्कि उसमें कोई ना कोई ट्रांसफॉर्म का मेथड डिफाइन करूं, और फिर वो मेथड अप्लाई करने के बाद फिर मैं उसको सैंपल को रिटर्न करूं, ठीक है। मगर ये लाजमी नहीं है यू नो, ये आप चाहें तो ट्रांसफॉर्म्स को ओमिट करने मतलब चाहें तो आप यू नो ना भी करें, ये को लाजमी नहीं कि यू नो जब भी इंडेक्स जब भी कोई इंडेक्सिंग होगी, जब भी डेट सेट का कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड इंडेक्स किया जाएगा तो उसमें यू नो आप चाहें तो ट्रांसफॉर्म को बेशक ना वो करें, सारे सारे काम इधर ही कर लें। मगर ये बैर और बास का जरूरत पड़ सकती है, इसलिए बताना बैर का बार का जरूरत काम। अच्छा सो ये तो थी लास्ट लेक्चर से रिलेटेड चीज। सो अब हम आ जाते हैं यू नो आज के उसमें जो कि बेसिकली है सी एन एन से रिलेटेड। अच्छा सो अब हम बेसिकली एक अपना यू नो लिखने लगे हैं क्या कहेंगे मतलब पाइटॉर्च पे बेसिक सा सी एन एन सिंपल कन्वोल्यूशनल नेटवर्क, हमारे पास एक इनपुट होगी। अच्छा सो इस लेक्चर को सुनने से पहले जरूरी है कि आपने यू नो वो सी एन एन वाला जो लेक्चर था वो गो थ्रू किया हो, ठीक है। यानी बैक प्रोपगेशन और फॉरवर्ड प्रोपगेशन कैसे होती है। मैं दो लेयर्स डिफाइन करूंगा, जब मैं दो लेयर्स कह रहा हूँ तो उससे मुराद ये कि एक लेयर में तीन किस्म के ऑपरेशन हो रहे होंगे, पहली कन्वोल्यूशन, दूसरी रेलू एक्टिवेशन और तीसरी पोलिंग। ये तीन ऑपरेशन बन के मैं मतलब सी एन एन के कॉन्टेक्स्ट में जब एक लेयर की बात की जाती है तो आई मीन वैसे तो उससे मुराद कन्वोल्यूशन प्लस रेलू होता है, मगर मैं बाज़ूकात यू नो अगर चले फिलहाल हम पोलिंग को अलग ही कर लेते हैं, इसलिए कि ये पोलिंग के लेयर लाजमी नहीं होती यू नो फुली कनेक्टेड नेटवर्क में पूलिंग लेयर इन्वॉल्व नहीं। तो सो लेट्स से मैं पहली लेयर पास करता हूँ, पहली लेयर से मुराद है कि कन्वोल्यूशन प्लस रेलू, यानी यू नो जो फिल्टर्स आपने लर्न करने हैं वो कन्वॉल्व होंगे, और प्लस ये कि हर न्यूरॉन की जो आउटपुट होगी या यू के हर फीचर मैप की जो आउटपुट पिक्सल की जो आउटपुट होगी उसको आपने एक रेलू एक्टिवेशन से पास करना, यानी नेगेटिव जिसमें सप्रेस हो जाएंगी और पॉजिटिव है तो वैसे की वैसी आगे चली जाएगी। उसके बाद पोलिंग होगी। अच्छा ये कैसे होगी ये भी मैं तो तुम बाद में आएंगे, और एग्जैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह होगा वो तो बाद की बात है, मगर ये कि मैं फिलहाल सिंपल सा नेटवर्क चूंकि बिल्ड कर रहा हूँ तो मैं एक कॉन्वोल्यूशन प्लस रेलू और पोलिंग, और फिर फॉलोड बाय अनदर कॉन्वोल्यूशन प्लस रेलू एंड अनदर पोलिंग, ठीक है। सो ये दो तो बड़ी बड़ी लेयर्स है मेरे पास। अच्छा इसमें भी सिर्फ रेलू और पोलिंग यानी ना रेलू में कोई इस तरह के वो पैरामीटर्स होते हैं जो कि लर्नेबल हों, और ना पूलिंग में कोई इस तरह के पैरामीटर्स होते हैं जो कि जिनको मैं लर्न करना, सिर्फ कन्वोल्यूशन जो ले रहे हैं उसमें यू नो पैरामीटर्स है लर्न करने के लिए, ठीक है। सो बहरहाल एक दफ़ा आप कन्वोल्यूशन प्लस रेलू प्लस पूलिंग करते हैं, फिर उसकी बाद सीरीज में दूसरी दफ़ा कन्वोल्यूशन प्लस रेलू प्लस पूलिंग करते हैं, फिर उसके बाद जितनी भी न्यूरॉन्स आती हैं आप उनको यू नो एक वेक्टराइज फॉर्म में फ्लैटन करते हैं, और फिर उसके बाद यू नो दो लेयर्स आप डिफाइन करते हैं फुली कनेक्टेड, ठीक है। और आखिर में यानी जो फाइनल लेयर है उसमें यू नो जो सॉफ्ट मैक्स ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास चंद क्लासेस हैं, आई थिंक हम इसमें फिलहाल यू नो 10 क्लासेस यूज कर रहे होंगे, ठीक है। इसी का वो साइफर 10 का डेट सेट जो कि हम यूज कर रहे हैं। सो पहला ये आर्किटेक्चर है जिसको हमने लिखना है, ठीक है। ये दो बड़ी बड़ी लेयर्स हैं, उसके बाद फ्लैटनिंग लेयर मतलब फ्लैटन करने के बाद यू नो दो या तीन शायद फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं, ठीक है, वो हम अभी देख लेते हैं। अच्छा
अच्छा ये जो कोड में फॉलो करूंगी मैं इसका यू नो सिंपल जो वो लिंक है वो शेयर कर दूंगा. मतलब लाइन बिलाने को मैंने इसको गो थ्रू करना. सबसे पहले तो मैं डिवाइस डिफाइन करता हूँ. पायटॉर्च की अच्छी बात यह कि आप चाहें तो यू नो जीपी यूज कर सकते हैं अगर आपका एनवीडिया का कार्ड है. AMD का तो यूज नहीं कर सकते इसलिए यू नो या तो एनवीडिया का जीपी हो या फिर अगर आप नहीं करना चाहते तो यू नो सिंपल सीपीओ भी रन कर सकते हैं. अच्छा अब मैं ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर लेगा. ये ट्रांसफॉर्म सो बेसिकली ट्रांसफॉर्म भी मैंने पायटॉर्च से इम्पोर्ट किए हैं. ठीक है यानी ये तो हमने देखा था कि अभी यू नो मैंने अपना ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ था जो कि यू नो इस तरह का था. सो अब मैं इसी तरह का मतलब पायटॉर्च के बिल्ट इन ट्रांसफॉर्म यूज कर सकता हूँ. अच्छा सो बिल्ट इन जो ट्रांसफॉर्म्स है उसमें मैं करता ही हूँ. अच्छा ट्रांसफॉर्म से भी मैं यू नो मतलब कंपोज कर सकता हूँ. कंपोज करने से मुराद ये होती है कि हर रिकॉर्ड पे जब भी रिकॉर्ड रीड हो रहा हो तो पहले उस पर ये वाला ऑपरेशन करो और फिर उस पर ये वाला ऑपरेशन करो. अब ये एग्जैक्ट क्या है ये मुझे इस पर मैं इस पर नहीं जाऊँगा मगर यू नो अगर आपको वो मजीद हुआ तो इसकी वजह से को देख लें. यानी पहले मैं कहता हूँ कि इसको टेंसर में कन्वर्ट करो और फिर यू नो उस टेंसर को नॉर्मलाइज करो. नॉर्मलाइज विद रिस्पेक्ट टू दीज पैरामीटर्स. अभी दीज पैरामीटर्स क्या थे कि मीन वेरिएंस और इस तरह की चीज़ें होंगी पर चैनल शायद आई थिंक सो ये पर चैनल मीन को रिप्रेजेंट करता है वल्ला वाला. सो इसकी आप यू नो चाहें तो मजीद मतलब डॉक्यूमेंटेशन देख लें कि यू नो पायटॉर्च में ट्रांसफॉर्म्स डॉट डॉट नॉर्मलाइज का फंक्शन क्या करता है. अच्छा चूंकि इमेज किस फॉर्मेट में रीड होनी है वो ओपन सी वी में यूज नहीं कर रहा. लाइक मैं क्या यूज कर रहा ये जो है मतलब ये कोड है ये यू नो पिलो लाइब्रेरी यूज करता है इसके लिए यू नो यानी जिस तरह ओपन सी वी इसी तरह पिलो लाइब्रेरी और उसमें यानी ओपन सी वी में आपके पास शायद नंपायर में इमेज आती है नंपायर के फॉर्म में. यहाँ पे आपके पास PIL इमेज के फॉर्म में आती है. ठीक है सो PIL इमेज को सबसे पहले ट्रांसफॉर्म मतलब टेंसर में कन्वर्ट करना जरूरी है. अच्छा अब मैं C#10 का डेट सेट यूज कर रहा हूँ. ये यू नो अगेन डाउनलोडेबल मतलब टॉर्च के अंदर मतलब टॉर्च विजन के अंदर ये आते हैं जिसको आप यू नो चाहें तो डाउनलोड कर सकते. इसमें क्या ये रहा है कि 60,000 इमेजेस हैं. हर इमेज का साइज है 32x32 RGB इमेज है. ठीक है और इसकी 10 क्लासेस हैं. ठीक है यानी 10 क्लासेस में बता दिए कि 6,000 इमेजेस हैं पर क्लास तो आपके पास टोटल 60,000 इमेजेस होंगे. ठीक है अच्छा अब इस डेटासेट के अंदर ही डिवीजन है यू नो ट्रेनिंग की मतलब किसको ट्रेन करना है किसको आपने यू नो यूज करना है लेट्स एज अ टेस्टिंग. ठीक है सो मैं सबसे पहले तो उन 6,000 में से वो इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ जो कि मैं ट्रेनिंग में इंक्लूड करूंगा. ठीक है मैं ट्रेन का फ्लैग ट्रू करता हूँ और कहता हूँ ये कि भाई ठीक है इसमें ये कर दो और ट्रांसफॉर्म में डिफाइन कर देता हूँ कि भाई हर रिकॉर्ड को जब रीड करो तो उसको PIL इमेज की फॉर्मेट में मतलब या जो जिसमें भी फॉर्मेट में है यानी इस ये अच्छा ये भी डेट सेट यानी हर इमेज की बात नहीं कर रहा ये जो डेट सेट है ये पिलो PIL इमेज की फॉर्मेट में मुझे डाउनलोड करके देगा. ठीक है तो मुझे उसको लाजमी है कि मैं उसको अपने पास ट्रांसफॉर्म करूँ और उसके साथ साथ मैं अपनी तरफ से ये नॉर्मलाइजेशन का ऑपरेशन भी परफॉर्म करता हूँ. ठीक है ये लाजमी नहीं है मगर एटलीस्ट ये लाजमी है. ठीक है तो मैं ट्रेनिंग डेट सेट मैंने डिफाइन कर दिया अपना अपनी चूंकि मैं तो यू नो डाउनलोड कर टॉर्च विजन यूज करूँ तो इसलिए मुझे अपनी क्लास डिफाइन करने की जरूरत नहीं और लाइक वाइज टेस्टिंग के लिए भी मैंने डेट सेट डिफाइन कर दिया. ठीक है सिर्फ ये वाला फ्लैग फॉल्स यूज करके तो ये अब आपके पास यूँ समझ लें कि ट्रेनिंग सेट भी पड़ा हुआ है और यू नो टेस्टिंग सेट भी पड़ा हुआ है. फिर इसी तरह आपने ये जो इस डेट सेट था इससे यू नो लोडर डिफाइन किया और इसी तरह टेस्टिंग डेट सेट जो था उससे भी यू नो लोडर डिफाइन कर दिया उसका. ठीक है फिर आपने क्लासेस को इनिमिनेट किया इन सम सेंस यू नो डिफाइन कर दिया कि जो 10 क्लासेस हैं उनमें से कौन सी क्लासेस हैं. इसको फिलहाल छोड़ दें मैं शो करने का क्या तरीके कार है मुझे इससे गर्ज नहीं है. ये भी फिलहाल कोई ज़्यादा मानी खेस चीज़ नहीं है. अच्छा मानी खेस चीज़ ये है कि
यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यानी अब यहाँ पर मैं अपना मेन जो सी एन एन नेटवर्क है उसको डिफाइन करने लगूँ। अच्छा, सी एन एन डिफाइन करने के लिए जो दो बुनियादी चीजें हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर और दूसरा उसका जो फॉरवर्ड पास है वो, यानी कंस्ट्रक्टर में आप ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करेंगे या लेयर्स डिफाइन करेंगे कि कितनी लेयर्स होंगी, और फॉरवर्ड पास में आप ये डिफाइन करेंगे कि कौन सी लेयर किस लेयर के बाद आ रही है, ठीक है, यानी सीक्वेंस ऑफ लेयर्स क्या होगा वो मैं इधर डिफाइन करूंगा, और लेयर्स इन इट सेल्फ यानी जो उनको मैं डिफाइन करूंगा वो इधर डिफाइन करूंगा। यानी यहाँ पर तो सिर्फ सिंपल यानी लेयर्स ऑब्जेक्ट वाइज डिफाइन हो रहे हैं, मगर उन ऑब्जेक्ट्स को किस तरह सिक्वेंशली कॉन्कैटिनेट करना है वो मैं इस फंक्शन में डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं करता ही हूँ कि अच्छा यार ठीक है, ये कॉन्वेंट की क्लास है जो कि वंस अगेन मतलब जो एन एन का मॉड्यूल है पायटॉर्च का उसको एज अ बेस क्लास यूज करेगी। कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करते वक्त सबसे पहले मैं कर ये रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि ठीक है जो बेस क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाए, ठीक है। सो ये सुपर आई थिंक फंक्शन ये करता है, यानी जो इनहेरिटेड क्लास है उससे बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले मैं कॉल कराता हूँ। अच्छा, ये क्यों कराता हूँ, इसलिए कि मुझे आगे जाके बेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, यानी जो बेस क्लास थी एनएन में उसकी चूंकि चीजें यूज करना, तो इसलिए आई थिंक ये कराना जरूरी है, आई गेस सो। अच्छा, उसके बाद मैं एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने लगा इस क्लास के। सबसे पहली जो लेयर है, सबसे पहला एट्रीब्यूट कन्वोल्यूशन लेयर, वो एक 2D कन्वोल्यूशन है। अच्छा, ये 365, सो वो 2D कन्वोल्यूशन लेयर करती क्या है, यानी जो पहले मेरे पास इनपुट आ रही है हमने देखा था RGB इमेजेस हैं, ठीक है। सो मेरे पास जो इनपुट चैनल डेप्थ है वो 3 है, जो आउटपुट चैनल यानी जो नंबर ऑफ फिल्टर्स होंगे इस लेयर के वो 6 फिल्टर्स होंगे, और हर फिल्टर का साइज होगा 5x5 आई थिंक। सो 5x5x3 के 6 फिल्टर्स होंगे, ठीक है जनाब, इस लेयर में। यानी अगर आप इसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स देखें कितने, तो वो यानी कितने लर्नेबल पैरामीटर्स हैं, 5x5 25 × 3 × 6, सो इतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं पहली लेयर। उसके बाद मैं कहता हूँ कि पूरी लेयर डिफाइन करता हूँ। पूरी लेयर में मैं क्या कहता हूँ कि यार 2x2 के नेबरहुड में पूलिंग होगी, और जो स्ट्राइड होगी वो 2 की यूज होगी, यानी 2x2 के नेबरहुड में पूलिंग वो पता ही होगा कैसे, और फिर स्ट्राइड कैसे करते हैं यार, ये वो CNN का जो लेक्चर है पहला वो पढ़ लीजिएगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि स्ट्राइड क्या होती है, और 2x2 के नेबरहुड में विद 2 स्ट्राइड कैसे पूलिंग होती है, ठीक है। अच्छा, सो ये तो हो गई। अच्छा, मगर मैंने ये नहीं, सो ये पूलिंग कब करनी, ये मैंने डिफाइन, यानी मैंने कब ये मतलब मैं अभी सिर्फ पैरामीटर्स को डिफाइन कर रही हूँ, लेयर को डिफाइन कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं सेकंड कन्वोल्यूशन लेयर को डिफाइन किया है। अच्छा, सेकंड कन्वोल्यूशन लेयर को डिफाइन करने का तरीकेकार ये है कि मुझे ये तो पता है कि पहली जो लेयर होगी उसकी आउटपुट जो चैनल्स हैं वो 6 हैं, यानी पहली लेयर की इनपुट डेप्थ 3 थी और आउटपुट डेप्थ है 6, तो जितने अगर लेट से ये दूसरी लेयर है तो पहली लेयर की जो आउटपुट में जितने चैनल्स हैं उधर ही उतने चैनल्स इधर इनपुट में आएंगे, ठीक है, और इसके जो आउटपुट चैनल्स हैं वो मैं 16 रखता हूँ, और हर फिल्टर मतलब जो फिल्टर साइज है वो 5x5 है। अब इसके पैरामीटर्स कितने हैं, 5x5x6 के मेरे पास 16 फिल्टर्स हैं, ठीक है, जिनको मैं अलाइन करना है। अच्छा, उसके बाद पहली कनेक्टेड लेयर आती है, ये जो पहली कनेक्टेड लेयर है ये क्या मतलब इस यानी इसमें सो एक तो मुझे कंफर्म है कि आउटपुट जो यूं कहें कि जो हर न्यूरॉन होगी यानी उसके 16 फीचर मैप्स होंगे, तो ये तो 16 इधर से आ गया। अच्छा, ये कैसे आई, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, मगर ये कि हो गए कि जब मैं फ्लैटन करूंगा तो वो हम देखेंगे कि जब तक हम इस लेयर पर पहुंचेंगे तो साइज आपके पास 25 एलिमेंट्स क्या रह जाएगा। अच्छा, मैं ये इस पे बाद में आता हूँ कि ये कैसे आया, ठीक है। ये हमने देख लिया कि ये चूंकि पिछली लेयर के आउटपुट नंबर ऑफ फीचर मैप 16 थे, तो इसलिए ये 16, ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं कि इसका ये कैसे करें। और बहरहाल ये मैंने अपनी तरफ से 120 यानी फुली कनेक्टेड ले जो लेयर है वो होगा ये कि मतलब इसके जो यानी जो सेकंड कन्वोल्यूशन लेयर है उस वो जब पूलिंग होती हुई गुजरेगी यानी वो किधर गई
यानी यहाँ पर हमने देखा जाता कि जो दूसरी कन्वोल्यूशन और फिर पूलिंग के बाद जो आउटपुट आएगी उसको मैंने फ्लैटन करना है, ठीक है। सो वो जो फ्लैट करने के बाद जो पहली कनेक्टेड लेयर होगी उसमें इधर इधर यूँ समझ लें कि 120 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। सो वो मैं इधर डिफाइन करूँ कि 120 न्यूरॉन्स होंगी, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो और ये चूंकि लीनियर लेयर है यानी इसमें सिर्फ वेट्स और बाइसेस हैं जो कि मैं लर्न कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये मतलब फुली कनेक्टेड लेयर मतलब सिंपल सी है जिसमें हर न्यूरॉन से कनेक्टेड है, मतलब हर इनपुट न्यूरॉन हर आउटपुट न्यूरॉन से कनेक्टेड। फिर इसी तरह इसकी चूंकि 120 है तो अब जो दूसरी कनेक्ट फुली कनेक्टेड लेयर है वो मैं डिफाइन करने लगा कि उसकी इनपुट 120 न्यूरॉन्स होंगी, इस तरह यहाँ पर आउटपुट में 120 है तो इधर इनपुट में 120 होना लाजमी है और इसकी आउटपुट 84 न्यूरॉन्स होंगी। और फिर जो फाइनली लास्ट कनेक्टेड लेयर है उसमें इनपुट 84 न्यूरॉन्स होंगी मगर आउटपुट 10 न्यूरॉन्स होंगी और वो 10 बेसिकली आपके पास यू नो ये वाली क्लासेस होंगी, ठीक है। अच्छा, सो अब आप यू नो हर लेयर वाइज देखते जाएं इसमें मतलब इसके कितने पैरामीटर्स हैं वो देख लेते हैं, इसके कितने वो भी देख लिए थे, इसके कितने, इसके तो बड़े सिंपल से 16 × 5 × 5 × 120, इसी तरह इसलिए के कितने पैरामीटर्स हैं यू नो 120 × 84, इसी तरह यू नो इसके 840 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और सारे पैरामीटर्स को ऐड कर लें तो पूरे पूरे नेटवर्क में इतने सारे पैरामीटर्स बनते हैं। सो ये तो हमने बेसिकली किया ये कि सिंपल जो न्यूरल नेटवर्क था उसमें लेयर्स कौन कौन से उनको डिफाइन किया। अब हम डिफाइन करने लगे कि फॉरवर्ड पास यानी किस लेयर के बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अच्छा, सो एक तो बात ये कि वो हमने देखा था कि इनपुट जो साइज है मेरे पास 32 × 32 × 3 का है, यानी कलर इमेजेस हैं यू नो 32 × 32 एक इमेज का साइज है। सो जो यहाँ पर एक्स आ रहा होगा उसका जो साइज बनेगा यार वो बेसिकली कितनी बैचेस हैं, यानी वो जो टेंसर होगा ना उसका साइज ये होगा कि कितनी इमेजेस हैं बैच में, कितने चैनल्स हैं। अब ये डायमेंशन याद रखना इम्पोर्टेंट है, यानी वो जो मतलब पाइटॉर्च में फॉर्मेट है वो ये कि पहले मतलब जो टेंसर होता है वो मतलब उसकी जो बाय कन्वेंशन होती है वो ये कि सबसे पहले उसमें कितनी इमेजेस हैं एक बैच में वो एन से प्रेजेंट हो रहा है, हर इमेज में कितने उसकी डेप्थ कितनी है यानी कितने चैनल्स हैं वो 3 है, फिर उसमें आई गेस ये है नंबर ऑफ रोज और ये है नंबर ऑफ कॉलम्स इफ आई रीड दिस करेक्टली, या शायद ये उल्टा हो सकता है ये नंबर ऑफ कॉलम्स हो और ये नंबर ऑफ रोज हो, आई एम नॉट श्योर। इसमें हम यू नो इसको आपने मेक श्योर करना है कि ये आई एम रीडिंग दिस करेक्टली, सो मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये नंबर ऑफ रोज हैं या ये नंबर ऑफ रोज हैं, आई थिंक ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं शायद, यानी बैकवर्ड्स यानी सबसे पहले जी फिर वाई और फिर एक्स है, कुछ इस तरह का चक्कर है, पल्ला वालों। अच्छा, सो अब हमने करना ये कि ये बताना है कि भाई ये जो एक्स आ रहा है जिसका साइज ये है सबसे पहले तो आपने उसको इस लेयर से गुजारना है, ठीक है। जब आप इस लेयर से गुजारेंगे तो आपको ये पता है कि आउटपुट का साइज क्या होगा, आउटपुट का साइज होगा जनाब एन, चूंकि यहाँ पर मैंने 6 चैनल डिफाइन किए थे तो फिर 6 चैनल हो जाएंगे। और अगर मैं इतनी बात करूं कि इसकी आउटपुट क्या होगी तो इसकी आउटपुट होगी जनाब एन मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है, यानी कन्वोल्यूशन लेयर की आउटपुट क्या होगी। फिर ये होगा कि मैं उसको रेलू से पास करूंगा, रेलू से पास करूंगा तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता, ये तो पॉइंट वाइज ऑपरेशन है, पिक्सल वाइज ऑपरेशन है, जो साइज इधर था यानी एन क्रॉस 6 क्रॉस 32 क्रॉस 32 वो इधर रहेगा। और फिर जब ये पूलिंग होगी तो पूलिंग में होगा ये कि 32 क्रॉस 32 को अगर आप पूल करें यू नो 2 क्रॉस 2 के नेबरहुड में रहते हुए और विद स्ट्राइड 2 पूल करें, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया, सॉरी ये 32 क्रॉस 32 नहीं रहेगा, यानी अब यहाँ पर कन्वोल्यूशन लेयर से गुजरने के बाद चूंकि यहाँ पे पैडिंग कोई नहीं है यानी जीरो पैडिंग है, ठीक है, यानी पैडिंग तो मैं कर नहीं रहा, तो ये जो 5 × 5 का फिल्टर है ना ये ऑपरेट होगा इस तरह होगा कि 2 पिक्सल्स लेफ्ट पे और 2 पिक्सल्स राइट पे, और इसी तरह दो कॉलम्स लेफ्ट पे दो कॉलम्स राइट पे, इसी तरह दो कॉलम्स दो रोज टॉप पे और दो रोज बॉटम पे वो यू नो वो हो जाएंगी कट ऑफ हो जाएंगी अगर तो 5 × 5 का फिल्टर है।
सो अगर 32 क्रॉस 32 है तो यूं समझें कि यहाँ पर जो आउटपुट आएगी वो बेसिकली 28 क्रॉस 28 की आउटपुट आएगी, ठीक है, यानी n क्रॉस 6 क्रॉस 28 क्रॉस 28 की आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। फिर आप उसको रेलू से गुजारेंगे और रेलू से गुजारेंगे तो यू नो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। जब n क्रॉस 6 क्रॉस 28 क्रॉस 28 को आप पूल करेंगे विद स्ट्राइड 2 तो आप देखेंगे कि यू नो 28 क्रॉस 28 यू नो आधा साइज रह जाएगा 14 क्रॉस 14। सो बेसिकली यहाँ पर जो एक्स आ रहा है उसका साइज होगा ये। फिर आपने सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया 14 क्रॉस 14, जब 5 क्रॉस 5 के फिल्टर से गुजरेगा तो यू नो दो लेफ्ट पे दो राइट पे दो ऊपर दो नीचे, सो यू नो आपके पास 10 क्रॉस 10 मतलब कन्वोल्यूशन लेयर जो देगी वो साइज रिड्यूस करके n क्रॉस 16 क्रॉस 10 क्रॉस 10 की देगी। 16 इसलिए कि मैंने यहाँ पर जो यू नो ऑड नंबर ऑफ फीचर मैप्स डिफाइन किए थे वो 16 किए थे। सो n क्रॉस 16 क्रॉस 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 और फिर पूलिंग जब करेंगे तो 10 क्रॉस 10 भी आधा रह जाएगा 5 क्रॉस 5, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने करना ये कि उसको रिसाइज करना है। रिसाइज करते वक्त क्या करना ये कि भाई पहली डायमेंशन चेंज ना हो, इसलिए यू नो उसको इस तरह कह रहे हैं। और उसके बाद यू नो मतलब जितने भी हैं उसको आप एक मतलब एक डायमेंशन में कोलैप्स कर दें, ठीक है। सो 16 क्रॉस 5 क्रॉस 5 इतनी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आ जाएंगी आपके पास रिसाइज करने के बाद, ठीक है। जब आपने ये कर लिया तो उसके बाद अब आपके पास जो टेंसर है वो है n क्रॉस 400 का, ठीक है। और ये मुझे याद है यानी ये जो हमने 5 क्रॉस 5 रखा था ये इसलिए रखा था कि भाई यू नो जो मतलब दूसरी दफा पोलिंग होगी उसमें जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो इस तरह की आएगी, ठीक है। तो वो 5 क्रॉस 5 यू नो ये इसलिए आया, ठीक है। सो 16 क्रॉस 5 क्रॉस 5 अब आपके पास यू नो 400 बनता है, तो इतने का आंसर आ रहा है। फिर आप उसको कहेंगे कि यार ठीक है इस वाली लेयर में से इसको पास करो। जब इस लेयर में से पास करेंगे और फिर आप दोबारा से रेलू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी रेलू तो हर उस लेयर के बाद लग रहा है। सो अब इसकी जो आउटपुट आएगी वो बेसिकली n क्रॉस 120 आएगी, इसलिए कि आपने 120 न्यूरॉन्स डिफाइन किए। फिर इसी तरह अगली दफा यू नो n क्रॉस 84, इसलिए कि यू नो इस लेयर मतलब FC2 में से पास करूंगा तो यू नो n क्रॉस 84। और फिर फाइनली मेरे पास यू नो n क्रॉस 10 यानी जितनी बैचेस हैं जितनी भी डिजाइन उसके लिए मतलब हर उनसे हर इमेज के लिए यू नो 10 क्लासेस की प्रेडिक्शन आ जाएगी और मैं उसमें से टॉप की प्रेडिक्शन को चूज कर लूंगा, ठीक है जनाब। सो ये सिंपल सा आर्किटेक्चर है कन्वोल्यूशन लेयर मतलब कन्वोल्यूशनल नेटवर्क का। अच्छा, अब मैं करता क्यों, मैं सिंपल से वही काम करता हूँ, उसको जो भी GPU और CPU डिफाइन किया उस पर लेके जाता हूँ, मतलब लॉस डिफाइन करता हूँ। अच्छा, लॉस जब मैं क्रॉस एंट्रोपी लॉस डिफाइन करता हूँ, अच्छा वो ये बात याद रहे कि ये जो सॉफ्ट मैक्स ऑपरेशन होता है ना ये मुझे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये क्रॉस एंट्रोपी लॉस करते वक्त डिफाइन करते वक्त ये खुद ही कैलकुलेट करता है मतलब सॉफ्ट मैक्स आउटपुट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। यानी ये जो एरर है ये बाय डिफॉल्ट आपके पास इसके बाद यू नो सॉफ्ट मैक्स ऑपरेट खुद ही मतलब बिल्ट इन परफॉर्म कर लेते हैं। सो मैं बस उसमें लॉस डिफाइन करने के बाद ऑप्टिमाइजर डिफाइन करता हूँ। उसके बाद मैं सिंपल सी शुरू कर देता हूँ कि भाई वही जो ट्रेन लोटर मैंने डिफाइन किया था इधर, ठीक है। उसको क्यूरी करते जाओ, ठीक है। उसमें से मैंने इमेजेस लेबल्स कैसे उठाने हैं, वेल वो यानी जब मैं डेटा डिफाइन करता हूँ तो यू नो इनोमिनेट वो खुद ही इसमें से करते यानी बाय डिफॉल्ट खुद ही करता रहता है, यानी इमेजेस और लेबल्स मुझे लाइक कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मतलब जो डेटा सेट है उसके अंदर बिल्ट इन डेफिनेशन इस तरह हुई है कि जब लोड डिफाइन करता हूँ तो उसका जो इंडेक्सिंग का मेथड है वो मुझे बाय डिफॉल्ट जो इमेजेस हैं उनके लेबल्स हैं वो दे रहा होता है, ठीक है। सो इमेजेस और लेबल्स आ गए मेरे पास, मैंने उनको भी GPU मूव किया, सिंपल अप्लाई किया, लॉस कैलकुलेट किया और उसके बाद वही जो सारे के सारे ऑपरेशन था यानी ऑप्टिमाइजर का स्टेप लिया, पहले उसके ग्रेडियंट जीरो आउट किया और फिर स्टेप लिया, ठीक है। और फिर जितने ईपॉक्स हमने चलाने हैं उतने ईपॉक्स के लिए हमने काम कर लिया।
और फाइनली मैंने किया ये कि यू नो जो अपने पास मॉडल है उसको सेव करा लिया। अच्छा ये काम फिर टेस्टिंग का है, इस चले मैं टेस्टिंग की बताई दूं, यानी ये एक वैसे तो अलग फाइल में करना चाहिए मगर ये कि चले कोई नहीं हम इसको इसी में कर लेते हैं। यदि सेम स्टोरी है बस अब मैं टेस्ट लोडर यूज करूंगा, टेस्ट लोडर से मुराद ये कि मैंने यू नो चूंकि अब जो इमेजेस यूज करनी है वो वाली है जो कि यू नो टेस्टिंग के लिए डिफाइन की गई है, यानी उस वो जो 60,000 है उनमें से थोड़ी सी इमेजेस इसके लिए थी और बाकी इमेजेस यू नो इसके लिए थी। तो अब टेस्ट लोडर के लिए जो इमेजेस हैं उसके लिए मैंने सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और वो ऑपरेशन क्या है कि भाई सिंपल सा लोड करो मॉडल में से पास करो प्रिडिक्शन देखो, यानी जो ये जो आउटपुट आ रही है बेसिकली ये n क्रॉस 10 का टेंसर है, ठीक है। सो इस n क्रॉस 10 के टेंसर में से मैंने देखना है कि मैक्सिमम आउटपुट मतलब मैक्सिमम क्लास प्रोबेबिलिटी किसकी है, और फिर देख उसको देखना है कि एक्चुअल में वो यानी जो मेरे पास नंबर ऑफ इमेजेस थी एक बैच में वो कितनी इमेजेस थी कि जिसके लिए जो यू नो ये प्रेडिक्टेड आउटपुट थी वो एक्चुअल लेबल्स के बराबर है, और फिर मैंने यू नो उससे देख लिया कि यू नो जितनी भी करेक्टेड यानी कि जितनी भी करेक्ट प्रेडिक्शंस हैं उसको मैंने देख लिया, यानी जितनी इमेजेस भी थी फाइनली मैंने लूप के बाद कि भाई एक्यूरेसी मेरे पास कितनी आ रही, नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है, यानी जितनी भी टेस्ट इसमें मेरे पास इमेजेस हैं ये उनमें से यानी जो हर दफा मैं रीड कर रहा हूँ उसमें से मेरे पास एक्चुअल में करेक्ट प्रेडिक्शंस कितनी है, और ये काम फिर मैं क्लास वाइज भी कर सकता हूँ, यानी हर क्लास में से देखो कि कितनी यू नो करेक्टेड प्रेडिक्शंस हैं, तो फाइनली फिर लूप के बाहर जाके एक्चुअल एक्यूरेसी और फिर हर क्लास की एक्यूरेसी उन दोनों को मैंने यू नो प्रिंट आउट कर दिया। सो ये तो सिंपल सा था कि मैंने किस तरह ट्रेनिंग करनी है एक CNN की और फिर यू नो उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है। यार ये मैं बताता रहता हूँ मगर जब तक आप इसको खुद ट्राई नहीं करेंगे यू नो समझ नहीं आएगा, सो इसको काइंडली इसको खुद रन करके एक दफा देख लें ताकि जहन खुल जाए। एक और काम आपने ये करना है कि जब फॉर एग्जाम्पल आपने इधर मॉडल डिफाइन कर लिया ना तो इधर यू नो प्रिंट मॉडल यानी इस मॉडल को प्रिंट करके देखें, तो बेसिकली आपके पास ये सारे एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करके दे देगा जो कि आपने ये मतलब ये वो रहता है कि यू नो अगर अच्छी बात ये होती कि मतलब अभी तो खैर आपने मॉडल खुद डिफाइन किया हुआ है मगर ये कि अगर ये कहीं किसी और क्लास में डिफाइन हुआ है और आपको ये पता नहीं है कि यू नो मतलब ये सारा काम लेट से किसी और फाइल के अंदर हुआ है और आपके पास यू नो लेट से वो फाइल की एक्सेस नहीं है, तो आप सिंपल प्रिंट मतलब प्रिंट करें अगर मॉडल यानी प्रिंट यू नो और प्रिंट की आर्गुमेंट्स के अंदर यानी जो पाइथन का प्रिंट प्रिंट का फंक्शन है वो यूज करें और उसके आर्गुमेंट के अंदर यू नो मॉडल पास करें, तो आपके पास यू नो ये आ जाएगा कि कितने एट्रीब्यूट्स हैं कौन कौन सी लेयर्स हैं हर लेयर में कितने लर्नेबल पैरामीटर्स हैं, ठीक है जी। सो ये तो बेसिक CNN था। एक सेकेंड में पानी पी लो फिर हम आते हैं आगे। अच्छा फाइनली जो आखिरी चीज थी यार जो कि मैंने बतानी थी वो थी ट्रांसफर लर्निंग। अच्छा इस तरह हो सकता है कि मैं मतलब आपका इस तरह के लेट्स आपने मॉडल ट्रेन किया 10 क्लासेस के लिए, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं आपका दिया हुआ मॉडल उठाऊं ये और उसको मेरे पास एक डेट सेट है यू नो जिसमें फॉर एग्जांपल कुत्ते और बिल्लियों की इमेजेस हैं, यानी दो ही तरह की इमेजेस हैं आपके पास, तो ये 10 क्लास थी यू नो कार ट्रक वैन और क्या क्या नहीं, मेरे पास 10 क्लासेस नहीं मेरे पास दो ही क्लासेस हैं, एक है डॉग की क्लास और दूसरी क्लास है कैट की, ठीक है, और मेरे पास इमेजेस भी कुत्ते और बिल्लियों की, और मैं चाहता हूँ कि ये जो नेटवर्क जो कि आपने मुझे दिया मैं इसको यूज करूँ अपने पास जो मेरे पास डेट सेट है कुत्ते और बिल्लियों का
मैं चाहता ही हूँ कि मैं आपके दिए हुए नेटवर्क को यूज करूँ कुत्ते और बिल्लियों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। और मेरे जुमले से क्या मुराद है कि मैं आपके दिए हुए नेटवर्क को यूज करूँ, इससे मुराद ये कि मैं चाहता हूँ कि ये जो लेयर्स है ना कन्वोल्यूशन की, और लेट से ये जो पहली और ये दूसरी जो फुली कनेक्टेड लेयर है, ये सारे के सारे पैरामीटर्स वैसे के वैसे रहे, यानी ये पैरामीटर चेंज ना हो। बस आखिर में मैं करूँ ये कि जो 10 क्लासेस नहीं है, यानी 10 न्यूरॉन्स, आखिर में मैं इनके 10 की जगह 2 न्यूरॉन्स डिफाइन करूँ, ठीक है। अच्छा, जब मैं 2 न्यूरॉन्स डिफाइन करूंगा तो लेट से इस लेयर में हमने अभी पिछले पीछे देखा कि इसमें 84 न्यूरॉन्स थी, यानी जो सेकंड फुली कनेक्टेड लेयर थी ना उसमें देखा था कि 84 न्यूरॉन्स थी, और यहाँ पर इस नेटवर्क में चूंकि 10 है तो 84 × 10, यू नो हर न्यूरोन हर एक से कनेक्टेड है तो 840 कनेक्शन बनते हैं, ठीक है। यानी अगर आपके पास यहाँ पर 84 पैरामीटर्स हो और आखिर में यू नो 10 पैरामीटर्स हो, तो हर यानी इधर 84 न्यूरॉन्स और आखिर में 10 न्यूरॉन्स होते हैं, तो हर न्यूरॉन हर एक से कनेक्टेड होती है तो 84 × 10, 840 पैरामीटर्स बनते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई बाकी सारे नेटवर्क तो वैसे के वैसे रहे, बस ये आखिर में जो 10 न्यूरॉन्स हैं इसके बजाय 2 न्यूरॉन्स हो, और अगर इधर 84 है तो इससे मुराद ये कि 84 × 2, यानी 168 टोटल पैरामीटर्स हो जिसको मुझे लर्न करना पड़े। बाकी पीछे के पीछे जो जितने पैरामीटर्स हैं ना वो मैं फिक्स रखूँ, उनको मैं चेंज ना करूँ, सिर्फ ये जो 84 × 2 पैरामीटर्स हैं ना जितने भी यू नो बनते हैं, मैं सिर्फ इनको लर्न कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये कराती है ट्रांसफर लर्निंग। अच्छा, मैं चाहूँ तो मजीद ये काम भी नहीं, मैं चाहूँ तो यू नो सिर्फ आखिरी मैं कहूँ यार चलो ठीक है पिछली जो दोनों लेयर्स हैं उनके भी पैरामीटर्स को लर्न करूँ, तो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कितना नेटवर्क रिट्रेंड हुआ हुआ यूटिलाइज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रांसफर लर्निंग में हमने देख लिया, मतलब अगर नहीं समझ आ रही तो यू नो वो जो पीछे ट्रांसफर लर्निंग वाला लेक्चर है उसको एक बार सुनते हैं। सो बहरहाल मैंने करना ये कि अच्छा फिलहाल तो मैं ये वाला नेटवर्किंग लेना, मगर ये ट्रांसफर लर्निंग के जो बेसिक वो है रूल वो बता रहा हूँ मैंने आखिरी, यानी जब हम जो नेटवर्क यूज करेंगे वो तो बेसिकली रेजनेट को यूज करेंगे, मगर ये कि उस रेजनेट नेटवर्क को यूज करते हुए मैं करूंगा ये कि सिर्फ आखिरी लेयर को, यानी जो सॉफ्टमैक्स लेयर है उसको रिडिफाइन करूंगा, और उससे जो पिछली लेयर में जो कनेक्शन थे उसके जो पैरामीटर हैं आखिरी लेयर के, सिर्फ उसको मैं रीलर्न करूंगा एक तरह से, ठीक है। अच्छा, सो वो अब हमने कैसे करना है हम उस पर आ जाते हैं। वंस अगेन मैं ट्रांसफॉर्म्स डिफाइन करता हूँ, यानी मैं ये कहता हूँ कि भाई जब भी आप एक इमेज रीड कर रहे होंगे अगर तो वो ट्रेनिंग के पर्पस के लिए है वो इमेज, तो उसमें ये वाले ट्रांसफॉर्म अप्लाई करो, अगर तो वो वैलिडेशन के लिए तो फिर उसमें ये वाले ट्रांसफॉर्म अप्लाई करो, ठीक है। अच्छा, वैलिडेशन के लिए भी सेपरेट डेट सेट होता है, यानी जिस तरह हमने देखा था पिछली दफा मतलब जो पिछला अभी हमने सीएनएन बनाया था उसमें तो हमने देखा था कि जब हमने डेट सेट डिफाइन किया था तो वो इस तरह डिफाइन किया था कि सिर्फ यू नो एक तो ट्रेनिंग फेज के लिए इमेजेस थी उसमें और दूसरा टेस्ट के लिए थी, मगर हो सकता है बिल्ट इन आपके पास वैलिडेशन सेट के लिए भी उसमें हो, यानी वैलिडेशन सेट के लिए, यानी वो जो 60,000 इमेजेस थी उसी से बास ट्रेनिंग के लिए मखसूस हो, बास टेस्टिंग के लिए और बास वैलिडेशन के लिए, ठीक है। मगर बहरहाल सो इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ठीक है जो अगर कोई इमेज ट्रेन हो रही होगी तो सबसे पहले उसमें ये वाला ट्रांसफॉर्म अप्लाई करो, फिर उसके बाद ये वाला करो, फिर उसके बाद ये वाला करो, और फिर उसके बाद ये वाला करो। तो ये बेसिकली कंपोजिशन है 4 ट्रांसफॉर्म्स की। पहला ट्रांसफॉर्म करता क्या है, well, नाम से ही जाहिर है कि एक इमेज है आ रही है आपके पास, लेट्स से एक इमेज है उसका साइज कुछ है यू नो 875 × 1930 फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी रैंडम साइज है, ठीक है। आपने उसमें से मतलब क्रॉप करना है रैंडम पोर्शन और फिर उसको शायद रीसाइज करना है। अच्छा, पहले क्रॉप करना है और फिर रीसाइज करना है, आई थिंक अब ये फंक्शन के डेफिनेशन में जाके देख लीजिएगा। और रीसाइज इस तरह करना है कि 24×24 पे हो, 24×24 की डायमेंशन हो, और फिर उसके बाद आपने उसको यू नो हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है, फिर टेंसर में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद इस मीन और इस स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ उसको नॉर्मलाइज करना है, यानी रेड ग्रीन और ब्लू चैनल का मीन इतना हो और रेड ग्रीन और ब्लू चैनल का की वेरिएंस सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी हो, ठीक है। सो ये तो
ट्रेनिंग का ट्रांसफॉर्म है, ट्रेनिंग के वक्त इस ये प्रोसीजर अप्लाई करना है। अच्छा वैलिडेशन कब करनी है तो मैं बाद में आता हूँ, मगर ये कि वैलिडेशन से मुराद के ये भी बाद में आता है, मगर ये कि फॉर द टाइमिंग जब मैंने इस ट्रेन नेटवर्क को हर ईपॉक वाइज ये देखना हो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो उस वक्त मैंने करना है कि वैलिडेशन करनी है। और वैलिडेशन में करूँगा ये कि सबसे पहले जो इमेज आ रही होगी इसको जाहिर बात है मैं रैंडम क्रॉप नहीं कर रहा, इसलिए कि यहाँ पे तो मुझे पूरी पूरी इमेज ही देखनी पड़ेगी, यानी पूरी पूरी इमेज पे प्रेडिक्शन अप्लाई करनी है, तो पहले मैं उसको रिसाइज करूंगा इस साइज पे, फिर मैं उसको यू नो सेंटर क्रॉप करूंगा, ठीक है। इसलिए कि ये रैंडमली किसी मतलब टेस्टिंग के फेज में या वैलिडेशन के फेज में रैंडमली किसी एरिया को सेलेक्ट कर देना और बाकी को निगलेक्ट कर देना, दिस डजंट मेक सेंस, ठीक है। ट्रेनिंग में तो ये बात समझ आती है, इसलिए ट्रेनिंग में तो मैं किसी एक स्पेसिफिक सीन पे जो नेटवर्क है उसको ओवरफिट करना भी नहीं चाहता, ठीक है, तो इसलिए मैं रैंडम क्रॉप कर दूं। टेस्टिंग में तो मैं पूरी की पूरी इमेज को लेना चाहता हूं, तो इसलिए मैं इसको रिसाइज करके दरमियान वाला पोर्शन उठा लेता हूं, और उसके बाद टेंसर और मैं कन्वर्ट करने के बाद नॉर्मलाइज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब इसमें फालतू बातें मैं फिलहाल बताने से परहेज करता हूँ। जो मेन है मतलब ट्रांसफर लर्निंग में वो हम करेंगे क्या। अच्छा मैं बजाय से कि मैं इस तरह चलूँ मैं यू नो उल्टा चलता हूँ, उल्टे अब हम करेंगे ये कि सबसे पहले तो जनाब सबसे पहले तो हम अपना मॉडल लोड करेंगे। मॉडल लोड करने अच्छा मॉडल भी कौन सा लोड करेंगे, मॉडल हम लोड करेंगे जो कि मेरे पास पहले से अवेलेबल है। वो पहले से अवेलेबल कौन सा है, वो है रेजनेट 18, यानी इमेज नेट पर ट्रेन हुआ है और उसकी जो लेयर्स हैं वो 18 लेयर्स हैं, 18 लेयर मॉडल है, ठीक है। पता नहीं कितने यू नो लाखों पैरामीटर्स होंगे इसके, और मैं इसको प्री ट्रेन मॉडल यूज कर रहा हूँ, यानी प्री ट्रेन से मुराद है कि ये रेजनेट आर्किटेक्चर 18 लेयर का जो कि इमेज नेट के डेट सेट पे पहले से ट्रेन हुआ हो उसको लोड किया है, ठीक है। अच्छा और उसके बाद मैंने कहा है कि भाई ठीक है लोड करने के बाद तुम करो ये कि उस मतलब सारे के सारे जो पैरामीटर है ना उस के requires grad attribute को false करो। अब होगा ये कि ये मॉडल इसका कोई पैरामीटर इस तरह का नहीं है जो कि ट्रेनिंग में लर्नेबल हो, यानी मैंने सारे के सारे मॉडल के सारे पैरामीटर्स जितने भी थे ना, यानी 18 के 18 लेयर्स में जितने पैरामीटर्स बन रहे थे उनको मैंने फिक्स कर दिया, यानी अब उसको ऑप्टिमाइजर जो भी आगे डिफाइन करूंगा वो ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा मैंने ऑप्टिमाइज तो करना है ऑब्वियसली, यानी वो जो आखिरी लेयर थी जिसमें मेरे पास यू नो इस मॉडल अच्छा आपने इस मॉडल को अगर आप प्रिंट करेंगे तो शायद आखिरी ले जो है उसमें आपके पास 1000 कैटेगरीज आए, इसलिए कि आई थिंक इमेज नेट पे अगर ये प्री ट्रेंड हुआ है तो इमेज नेट में मेरे पास यू नो 1000 क्लासेस हैं। सो वंस अगेन आपने करना है कि इस पॉइंट पे ना प्रिंट मॉडल अंडरस्कोर कॉन्व लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मतलब कितनी सारी लेयर्स हैं, 18 की 18 लेयर्स हैं, और फिर हर लेयर के मतलब वो आ जाएगा आपके पास हर लेयर का नाम क्या है फॉर एग्जांपल। अच्छा अब मैं करता ही हूँ कि इस मॉडल की जो आखिरी लेयर है ना जो मॉडल _count.fc जो होगी मैं उसको रीडिफाइन कर रहा हूँ। मैं रीडिफाइन कैसे करूँ कि मैं वैसे तो उसमें यू नो 1000 पैरामीटर्स होंगे, मतलब 1000 न्यूरॉन्स होंगी, मगर अब मैं कहता हूँ कि भाई इसमें सिर्फ 2 न्यूरॉन्स डालो, ठीक है, यानी आउटपुट 2 न्यूरॉन्स हो। इनपुट कितनी हो, इनपुट जितनी भी इस लेयर की जो प्रीसीडिंग लेयर है यानी सेकंड लास्ट लेयर है उसकी जो आउटपुट है, या इस लेयर की जो इनपुट फीचर्स हैं मतलब ये भी एट्रीब्यूट, यानी अगर आप इसको प्रिंट करेंगे ना इधर प्रिंट मॉडल्स और कौन लिखेंगे तो आपके पास देखेंगे कि मॉडल्स और कौन डॉट एफसी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ रहे होंगे, उसमें ये होगा कि हर लेयर के इनपुट फीचर्स कितने हैं और फिर इसके आउटपुट फीचर्स कितने हैं। सो इनपुट फीचर्स तो मैंने उतने के उतने ही रखे, ठीक है। आउटपुट फीचर्स मैंने कहा कि भाई जो आउटपुट न्यूरॉन्स हैं वो 2 हैं, ठीक है। ये इस तरह मैंने आखिरी लेयर डिफाइन कर दी, ठीक है। और अब मैंने कहा ये कि भाई अच्छा जब मैं आखिरी लेयर रीडिफाइन किया ना मैंने
तो उसमें बाय डिफॉल्ट होता है ये कि उसका एट्रीब्यूट ट्रू होता है, यानी बाकी सारे जो मॉडल की लेयर्स हैं उसके तो मैंने मैन्युअली जो एट्रीब्यूट था मतलब रिक्वायर्स ग्रेड का उसको फॉल्स कर दिया है, आखिरी लेयर जो थी उसका रिक्वायर्स ग्रेड एट्रीब्यूट ट्रू है। अब इसका फायदा ये होगा कि जब मैं अपना मतलब जो भी ऑप्टिमाइजर डिफाइन करूंगा उस ऑप्टिमाइजर में ये मतलब अपनी पैरामीटर्स को पास करूंगा तो इसको क्या फिलहाल इसको बोल जाए, मगर ये कि जब मैं इसको ट्रेन करूंगा ना तो अब ऑप्टिमाइजर यानी ये जो मॉडल है इसमें सिर्फ आखिरी लेयर के जो पैरामीटर्स हैं उसके लिए ये एट्रीब्यूट ट्रू होगा और बाकी पिछली सारी की सारी लेयर्स के लिए ये एट्रीब्यूट फॉल्स होगा। तो होगा ये कि ऑप्टिमाइजर है वो सिर्फ इस लेयर के जो पैरामीटर्स हैं उसको लर्न करेगा ना कि पिछली सारी लेयर्स को रीलर्न करेगा, ठीक है। तो ये है यानी इट्स एज सिंपल एज दैट कि आपने पिछली सारी जो लेयर्स हैं उनको सो कॉल्ड फ्रीज कर देना, ठीक है। यानी ये इसको कहते हैं कि मैंने बाकी सारी लेयर्स को फ्रीज कर दिया, सिर्फ जो आखिरी लेयर है उसको छोड़ा हुआ। अच्छा ये मैं चाहूँ तो मैं मजीद भी यानी आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इस मॉडल को प्रिंट करें और जो पिछली लेयर थी अब पता नहीं उसका नाम क्या था, वो तो जब आप प्रिंट करेंगे इधर तभी पता चलेगा, ठीक है। मॉडल अंडरस्कोर काउंट को अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी इसमें लेयर है। सो ये काम आप मजीद भी कर सकते हैं, यानी पिछली लेयर को भी रीडिफाइन कर सकते हैं, यानी सेकंड लास्ट लेयर को भी रीडिफाइन करें और लास्ट लेयर को भी, यानी आपकी मर्जी आप कितनी लेयर्स को इधर रीडिफाइन करना चाहते हैं। मैंने इस वक्त सिर्फ आखिरी जो लेयर थी उसको रीडिफाइन किया और उसके बाद स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर डिफाइन किया और उसमें मैंने इसको मॉडल को पास किया आखिरी लेयर को और फिर मैं इस पे चला गया ट्रेनिंग पे। अच्छा इस पे क्या हो रहा है, मैंने मॉडल पास किया, लॉस फंक्शन पास और मतलब ऑप्टिमाइजर पास किया और नंबर ऑफ पीपल, इसको फिलहाल भूल जाए। यानी यार ये क्या हो रहा है, ये फिलहाल बताने की चीज नहीं है, आई मीन ये शायद इंटरेस्ट की हामिल हो, मगर फिलहाल मैं इसको अवॉइड कर लूँ कि मैंने स्टेप साइज कैसे लर्न करना। मगर ये कि मैंने ट्रेनिंग के दौरान मॉडल पास करना है, लॉस फंक्शन पास करना है, ऑप्टिमाइजर पास करना है, ठीक है। ये तीन चीजें लाजमी है और अब मैं आ जाता हूँ कि ट्रेनिंग पे क्या हो रहा है। ट्रेनिंग बेसिकली वैसी की वैसी है, मैंने इस मॉडल के मॉडल को मैंने लोड किया, उन पैरामीटर्स को अलहदा से अपने पास कॉपी किया। अच्छा अब होगा ये कि मैं वो जो मैंने देखा था ना कि मैंने दो सेट्स डिफाइन किए थे वैलिडेशन का और एक ट्रेनिंग का, अब इसका फायदा ये है कि मैं हर इपॉक में ट्रेन तो करूंगा मगर उसके बाद मैं वैलिडेशन में देखता जाऊंगा। यानी प्रोसीजर ये होगा कि मैं एक इपॉक को चलाऊं, उस इपॉक में मतलब उस ईपॉक में लेट्स से मेरे उस ईपॉक के एंड पे ना मेरे पास ये क्या कहेंगे मॉडल के कोई ना कोई पैरामीटर्स आ जाएंगे, ठीक है। यानी ये जो मॉडल है ना मेरे पास ये बेसिकली लर्न होगा, ठीक है, उस ईपॉक में, ठीक है। अब जितनी भी लेयर्स हैं वो डिपेंड करता है कि उसमें इस मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स के अंदर रिक्वायर्स ग्रेड का एट्रीब्यूट फॉल्स है, मतलब कितने कितने में ट्रू है। सो अब चूंकि आखिरी लेयर ही है जिसमें मैंने इसे सेट किया तो ये बेसिकली आखिरी लेयर ही सिर्फ रीलर्न करेगा, मगर बहरहाल जब करेगा तो मैं करूंगा ये कि जो वैलिडेशन सेट है उसको इस पे अप्लाई करूंगा और फिर मैं देखता जाऊंगा कि यार अगर तो वैलिडेशन सेट पे इसकी एक्यूरेसी पिछले ईपॉक से अच्छी है तो फिर मैं अपने पास जो मॉडल जो वेट्स है मेरे पास उनको अपडेट करूंगा, ठीक है। मैं कहूंगा कि यार मॉडल को कॉपी कर लो और उसके जो वेट्स है उनको अपडेट कर लो और फिर मतलब इस तरह हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है। सो हर ईपॉक में मैंने करना ये कि स्विच करना है, पहले मतलब पहले ट्रेनिंग करनी है और फिर मैंने वैलिडेशन करनी है। ट्रेनिंग में क्या होगा, वही ट्रेनिंग में तो सिंपल तरीके मॉडल डॉट डॉट ट्रेन का एट्रीब्यूट वो होगा, अगर वैलिडेशन है तो मॉडल डॉट के अंदर इवैल्यूएशन का एट्रीब्यूट सेट होगा। अच्छा अगल तो ये हर ईपॉक में ये स्विचिंग होगी, ठीक है। यानी पहले ईपॉक में मतलब पहले ट्रेनिंग होगी और फिर इसके बाद वैलिडेशन होगी, फिर ट्रेनिंग होगी, फिर वैलिडेशन, फिर ट्रेनिंग, फिर मतलब हम स्विच करते जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि यार ठीक है ये जो डेटा लोटस मैंने डिफाइन किए हैं वंस अगेन ये मैंने भी अगर आप देखें तो मैंने वैलिडेशन और मतलब ट्रेनिंग दोनों के लिए
क्या कहेंगे, ये डाटा लोडर नहीं है, सीरीज डाटा लोडर्स हैं, इसलिए कि इसके अंदर डिफरेंट लोडर्स हैं, यानी एक्स की डिफरेंट रेंज है, मतलब एक ट्रेन है और एक वैलिडेशन है। सो यूं समझ लें कि डाटा लोडर्स ऑफ ट्रेन और वैलिडेशन, ये दो लोडर्स मैंने डिफाइन किए अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए जो डाटा वो सेट है वो लोड होगा। अच्छा, अगर तो वो है यानी अगर तो ट्रेनिंग का वो है यानी मॉडल, ठीक है, तो फिर आप यू नो उसको कहेंगे कि भाई तुम अपने पास वो करो, यानी जो ऑप्टिमाइजर है ना उसका स्टेप लो, ठीक है। और अगर आपके पास ये नहीं है यू नो वो हो रहा है क्या नाम है, मतलब वैलिडेशन का फेज है, तो फिर आप इसमें ये करेंगे कि अच्छा नहीं, ये तो अभी तक ट्रेनिंग का फेज ही चल रहा है, ठीक है। वैलिडेशन का फेज अगर आएगा तो फिर आप देखें, अच्छा सो ट्रेनिंग के एंड पे आप ये करेंगे कि लेट्स से एक एक ईपॉक से मुराद ये होती है कि मैं सारे के सारा जो डेटा सेट है ना उस पे आइट्रेट कर लूं। सो जब वो आइट्रेट हो जाएगा तो मैं देखूंगा कि भाई उस ईपॉक का लॉस कितना आया, और फिर मेरे पास एक्चुअल में जो वैलिडेशन सेट था उस पे कितनी करेक्टेड आउटपुट्स आई, ठीक है। और फिर मैंने ये देखा कि मतलब अगर तो उस ईपॉक का लॉस सॉरी और उस ईपॉक की एक्यूरेसी पिछले ईपॉक की जो एक्यूरेसी थी उससे अच्छी है। अच्छा लॉस को तो मैं लॉस तो सिर्फ वो उस पे होता है क्या नाम है मतलब ईपॉक के लॉस से बना दिए कि मतलब एट द एंड यानी जो मेरे पास ये जो ऑप्टिमाइजर जो लॉस दे रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है, यानी जो एक्चुअल लॉस है मैं उसको अक्यूमुलेट कर रहा हूँ, यानी हर मतलब एक ईपॉक में मेरे पास डिफरेंट बैचेस हैं तो मैं सारे के सारे बैचेस की जो लॉस है उनको ऐड किया जा रहा हूँ, और फिर इसी तरह मैं यू नो जो मेरे पास करेक्टेड प्रेडिक्शंस है उसको देखा जा रहा हूँ। सो अब जो वैलिडेशन सेट पे मतलब ईपॉक की एक्यूरेसी आई है ना, मैंने ये देखना है ये कि पिछले उससे जो एक्यूरेसी थी वो मतलब जो वैलिडेशन सेट था उसकी उससे जो पिछली एक्यूरेसी थी उससे अच्छी है कि नहीं। अगर तो है तो मैं कहूँगा यार ठीक है, ये जो मॉडल तुमने किया है ना, ये जो मतलब जो ट्रेनिंग सेट पे मॉडल ट्रेन हुआ है ये चूंकि इसने वैलिडेशन सेट पे अच्छा परफॉर्म किया, तो अब तुम करो ये कि यानी जो उसके जो सारे के सारे वेट्स थे मॉडल के उसको अपने पास अपडेट करो, ठीक है। सो वैलिडेशन का मतलब ये मतलब ये जो तरीकेकार है ये स्टैंडर्ड तरीकेकार है कि आप करते हैं कि हर ईपॉक के अंदर बेसिकली अपने पास दो फेजेस डिफाइन करते हैं, एक ट्रेनिंग का और एक वैलिडेशन का। ट्रेनिंग का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं एक ईपॉक पे और फिर वैलिडेशन का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, यानी जो उस ईपॉक के जो ट्रेंड मॉडल आया है आपके पास, ठीक है, उस पे वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर एक्यूरेसी जो पिछले वैलिडेशन सेट था उससे अच्छी है तो आप यू नो मॉडल को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और फाइनली ये जो बेस ये जो आपके पास वेट्स हैं, चूंकि ये वैलिडेशन सेट अच्छा और वैलिडेशन सेट अलग है, टेस्ट सेट अलग है, यानी ट्रेनिंग जो हो रही है उसमें जो ट्रेनिंग का लोडर है ना वो अलग से है, टेस्टिंग का लोडर अलग से है, ओ सॉरी वैलिडेशन का लोडर अलग से है। तो उसका फायदा ये होता है कि जिस जिन इमेजेस पे आप एक ईपॉक के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं वैलिडेशन में वो इमेजेस यूज नहीं होनी, तो वैलिडेशन पे का फायदा ये है कि आप यू नो फिर उसमें ये देख सकते हैं कि यू नो अगर तो यानी ये बेसिकली ये तरीकेकार ये कि हर ईपॉक में मैं ट्रेन करूं और अगर किसी ईपॉक पे इस तरह हो रहा है कि वैलिडेशन सेट पे एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो रही तो मैं अपने जो मॉडल के वेट्स हैं उनको अपडेट नहीं करूं, यानी ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी मैंने अनसेट जो वैलिडेशन सेट है उस पे जो अपने पिछले ईपॉक का मॉडल था उसको वैल्यूएट करना है, और अगर तो वो चल रहा है उस पे पिछले से अच्छा है तो फिर मैं मॉडल को अपने पास कॉपी करूंगा, ठीक है, और फाइनली मैं उसको लोड करा के यू नो मॉडल को रिटर्न करा दूंगा। सो ये तो थी मेरे पास जो मतलब
प्रोसीजर वाइज, प्रोसीजरल वाइज के मैंने किस तरह अपने मॉडल को ट्रेन। अच्छा ये तो इन जनरल हर उसके लिए यूज होगा, ठीक है। वो जो ट्रांसफर लर्निंग थी वो तो सारी की सारी स्टोरी सिर्फ इतनी सी थी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ, यानी जो मेन काम है वो ये कि जब मैं, अगर आप ये इसको भूल जाएंगे ना, यानी अगर आप ये लिखना भूल जाएंगे, यानी ये दो लाइंस भूल जाएंगे, तो फिर तो ट्रांसफर लर्निंग, फिर तो ये मॉडल जो लोड हो रहा है रेजोनेंट 18, वो सारे के सारे 18 की 18 लेयर्स दोबारा से रीट्यून होंगी, ठीक है। और ये बेसिकली काम इधर हो रहा है, यानी शुरू में अगर आप ये करते हैं, क्या कहते हैं भाई, मैंने ट्रांसफर लर्निंग सिर्फ आखिरी लेयर नहीं करनी, सारे का सारा जो मॉडल है ना उसके सारे के सारे वेट्स को, मतलब अलिफ से ये तक 18 की 18 लेयर्स हैं, उसको प्री लोड तो करना है, यानी जो पिछले जो मॉडल है रेजिडेंट का उसको लोड तो करना है मैंने ऑब्वियसली, मगर ये कि मैंने जो सारे के सारे 18 लेयर्स के पैरामीटर्स हैं उनमें से हर एक जो लेयर है उसको अपने डेट सेट पे, जो मेरे पास यू नो जो नया डेट सेट है मेरे पास, उस पर मैंने रिट्रेन करना है, ठीक है। अब चूंकि मेरे पास जो डेट सेट है वो तो सिर्फ कुत्ते बिल्लियों का है, तो मुझे आखिरी लेयर चेंज तो करनी पड़ेगी, मगर अगर मैं ये काम नहीं करता ये वाला, तो फिर उसका नुकसान ही होगा कि, अब नुकसान तो नहीं फायदा ही होगा बेसिकली, ये नहीं मॉडल तो अच्छा चलेगा, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी वाइज नुकसान ही होगा कि अब वो सारे के सारा पैरामीटर जो नहीं है वो ऑप्टिमाइज हो रहा होगा, सारे के सारे पैरामीटर, ठीक है, बजाय इसके कि हमने जिस तरह इधर किया था कि सिर्फ यू नो सारी की सारी इसको फूल करें और आखिरी लेयर को पास करें। अच्छा ये आप चाहें तो आखिरी लेयर को पास ना करें, सारे सारा मॉडल पास करें तो भी चलेगा ये फंक्शन, ठीक है। बस उसमें होगा ये कि यू नो एक तरह से ओवरहेड होगा कि वो सारे सारा मॉडल बेसिकली उसको इधर मतलब कॉपी पेस्ट, मतलब वो कॉपी होता रहेगा, तो मतलब ये डजंट मेक सेंस कि मैं जिन मॉडल, मतलब जिसको मैंने जिन लेयर्स को फ्रीज किया हुआ मैं उनको भी इस मॉडल के अंदर शामिल करूँ, यू नो ये मतलब प्रोसीजर ये हैवी है, तो क्यों ना मैं सिर्फ जो आखिरी लेयर थी उनको पास करूँ, आखिरी जो लेयर थी उसको पास करूँ, जबकि अगर मैंने सारी की सारी ट्यून करनी है तो फिर मैं सारे के सारे मॉडल के पैरामीटर्स को पास करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ जो आखिरी लेयर थी उसको पास किया। सो ये तो सिंपल सी थी ट्रांसफर लर्निंग। सो आई होप दिस इज क्लियर, अगर नहीं समझ आई तो फिर हम यू नो लाइव सेशन में इंशाल्लाह इसको देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक फुल फ्लैश थोड़ा, अब ये तो बड़ा सिंपल सा यू नो CNN नेटवर्क था और ये ट्रांसफर लर्निंग भी सिंपल सी थी। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं करूँगी कि PyTorch मैंने अभी शायद यू नो मैंने अपनी तरफ से कम्प्लीट कर लिया, मैं ट्रांसफर फ्लो पे आऊँगा और ट्रांसफर फ्लो पे थोड़े कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो अंटिल देन टाटा।